ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, आटा ब्रेड या कौन सी ब्रेड है हेल्दी आपके लिए? कभी पैकेट घुमा के देखा है और जाना है कि उसमें क्या डाला जाता है? आज के टाइम में लोग ब्रेड का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अलग अलग प्रकार की चीजें बनाने, जैसे ब्रेड रोल्स, ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड अंडा, ब्रेड हलवा इत्यादि। लेकिन सवाल ये है कि इस ब्रेड में आखिर डाला क्या जाता है और ये आपकी हेल्थ के लिए सही है या हानिकारक है? व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड में क्या अंतर होता है और इसे रोटी से कैसे कंपेयर किया जा रहा है? चलिए एक बेसिक सी शुरुआत करते हैं कि आखिर ब्रेड होती क्या है और किस चीज से बनती है। तो आपको बता दें कि ब्रेड चार चीजों से बनती है, आटा, पानी, नमक, ईस्ट। और नमक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है जिससे कि ब्रेड में टेस्ट और ब्रेड को फुलाने के लिए काम आता है और ब्रेड को इससे ज्यादा समय तक के लिए स्टोर किया जाता है। इन सब रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स रिलीज होते हैं उससे ब्रेड फूलती है, लेकिन इस रिएक्शन में एथेनॉल भी रिलीज होता है। एथेनॉल कह सकते हैं कि अल्कोहल भी, एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है और ये बहुत थोड़ी मात्रा में ब्रेड में पाया जाता है। एक्चुअल में ब्रेड में ब्लीचिंग भी की जाती है जिससे उसको अलग तरीके का टेक्सचर और कलर भी दिया जाता है। हानिकारक पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम लोडाइड चेक करने के लिए 38 अलग अलग ब्रेड के सैंपल्स टेस्ट किए गए, जिसमें से 80% सैंपल्स में पाया गया है कि ये तो दोनों ही केमिकल्स ब्रेड में मौजूद होते हैं। और अच्छी खबर ये है कि इसकी जानकारी के बाद इन केमिकल्स का ब्रेड बनाने में उपयोग या इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े देश में जहाँ पे कि इतने जो कि इतना डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, वो आज भी ब्रेड में इन गंदे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही हैं जो कि आपकी बॉडी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है।